हेलो फ्रेंड्स, जो हमारे साथ नए लोग जुड़ रहे हैं उनके लिए एक ट्रेडिंग फैब का क्विकली इंट्रो दे देते हैं। ट्रेडिंग फैब एक ऑथराइज पार्टनर है डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स का, जैसे कि जीरोधा है, अपस्टॉक्स है, फाइव पैसा है या फिर एंजल ब्रोकिंग है। ये चारों भी डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स है, टॉप मोस्ट ब्रोकरेज फर्म्स है इंडिया के, और इसका ऑथराइज पार्टनर है ट्रेडिंग फैब। एक मेगा ऑफर है सबके लिए, अगर आप इन चारों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पार्टनर रेफरल आईडी के अंडर अगर आप ओपन करते हैं, तो हमारे जो इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप है, इक्विटी ऑप्शंस, बैंक निफ्टी ऑप्शंस और स्टॉक ऑप्शंस, इसका मेंबरशिप आपको फ्री में मिल सकता है। और एक ऑफर है जो हमारा बेसिक टू एडवांस टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स है, उसके लिए भी आपको एक स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। ये हर कोई कोर्स कर सकता है जो फ्रेशर है या फिर एक्सपीरियंस है, जो और अपना स्टडी इम्प्रूव करना चाहता है, सबके लिए है। तो ये एक मेगा ऑफर है सभी के लिए। तो ये था ट्रेडिंग फैब के बारे में एक छोटा सा इंट्रो। अगर आपको अकाउंट ओपन करना है तो जस्ट यहाँ से आपको क्लिक करना है अप्लाई हियर के ऊपर, तो ये विंडो ओपन हो जाएगा और आपको यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर डालना है और कंटिन्यू करना है, तो आगे की ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हो जाएगी। सभी ऑनलाइन प्रोसेस है, एक दिन में अकाउंट ओपन हो सकता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर है। तो अकाउंट होने के बाद आपको हमें इस नंबर पे कॉल करना है ताकि हम आपका क्लाइंट आईडी कंफर्म कर सके और आपको प्रीमियम इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप में ऐड कर सके। तो आप इन चारों में से कोई भी एक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो यह था एक ट्रेडिंग फैब के बारे में छोटा सा इंट्रो। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू निफ्टी एनालिसिस फ्रॉम tradingfab.in। आज है 25 सितंबर 2020, फ्राइडे है, सुबह के 8:40 हो रहे हैं। फ्राइडे है, हफ्ते का लास्ट ट्रेडिंग सेशन है। कल मंथली एक्सपायरी का दिन था और जबरदस्त गिरावट निफ्टी इंडेक्स में देखने को मिली। तो ये जो गिरावट आई है इसके पीछे अगर देखें तो लास्ट कुछ दिनों से न्यूज आ रही थी, जो इंडिया में बैंक्स है उसके बारे में एक रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेश किया गया है, जो पहले के 2014 के जो डिफॉल्टर्स थे उनको एनपीए में डाल दिया है। लेकिन 2014 के बाद भी ये बैंक्स का सिलसिला जारी है, जो लोन्स बैंक दे रही है वो फिर से रिकवर नहीं हो पा रहे, तो डिफॉल्टर्स काफी बन रहे। तो इस समय बैंक्स की हालत देखें तो थोड़ी सी चिंताजनक यहाँ पर देखने को मिल रही है। दूसरी बात है, कुछ दिनों पहले जेपी मॉर्गन और एचएसबीसी बैंक का मनी लॉन्ड्रिंग में नाम आया था, उसके मद्देनजर हमें ग्लोबल मार्केट्स में भी कमजोरी देखने को मिल रही है। थोड़ा सा इन्वेस्टर्स कॉशियस हो चुके हैं, और जो यूरोप है यहाँ पर फिर से एक बार कोविड यानी कोरोना का सेकेंड वेव देखने को मिल रहा है। यूरोप में कुछ जगह ऐसी है जहाँ पर फिर से लॉकडाउन भी किया गया था, तो इसके मद्देनजर ग्लोबल मार्केट्स में भी थोड़ी कमजोरी देखने को मिल रही है। तो ये जो अभी निफ्टी है कहाँ पर नेक्स्ट सपोर्ट ले सकता है उसको आइडेंटिफाई करेंगे, लेकिन सबसे पहले कल के एनालिसिस का रिव्यू करते हैं। ये कल का पिक्चर है, यानी 24 सितंबर आफ्टर मार्केट आर से पिक्चर लिया हुआ था। कल का अगर वीडियो देखना है आपको तो ऊपर ही आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 11,148 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 11,022। तो जैसे कि आप देख रहे हैं निफ्टी इंडेक्स गैप डाउन ओपन हुआ, जो हमारा ब्रेकडाउन लेवल था उसके नीचे ओपन हुआ, तो यहाँ पर कोई ट्रेंड नहीं बनता। देखा जाए तो लाइव मार्केट में ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन जो हमने प्री मार्केट प्लान बनाया था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं बन रही थी। कल निफ्टी इंडेक्स ओवरसोल्ड फेज के बाद एक्सट्रीम ओवरसोल्ड बन रहा था, ये रिकवरी करने की कोई भी यहाँ पर एक भी चांस देखने को नहीं मिला। जो भी स्विंग हाईज बन रहे थे, स्विंग लोज बन रहे थे, वो ब्रेक होकर और टूवर्ड साउथ की तरफ ये निकल रहा था, तो काफी ओवरसोल्ड मार्केट था कल। तो यहाँ पर कल के प्लान के अकॉर्डिंग, प्री मार्केट प्लान के अकॉर्डिंग कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी। ये था कल के एनालिसिस का एक रिव्यू। ग्लोबल मार्केट के हालात देख लेते हैं। कल अमेरिकी बाजार में एक रिकवरी की कोशिश देखने को मिली, नासडेक 39 पॉइंट की बढ़त के साथ बंद हुआ। जैसे कि यूरोप में फिर से एक बार सेकेंड वेव देखने को मिल रहा है कोरोना वायरस का, तो यहाँ पर फिर से एक बार कमजोरी यूरोपियन मार्केट्स में देखने को मिल रही है। एशियाई बाजार देखे तो रिकवरी के मूड में दिखाई दे रहे, एसजीएक्स निफ्टी 63 पॉइंट की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है।
हालांकि एक गिरावट इतने लगातार 3 दिन के जबरदस्त गिरावट के बाद ये जो रिकवरी है ये अपसाइड में कन्वर्ट होते हुए देखने के लिए काफी प्राइस एक्शन को भी फॉलो करना पड़ेगा। ये सिर्फ रिकवरी हो सकती है। डाउ फ्यूचर देखे तो 138 पॉइंट की अभी इस समय यहाँ पर भी रिकवरी देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स में रिकवरी की कोशिश यहाँ पर देखने को मिल रही है। चलते निफ्टी के चार्ट के ऊपर, वीकली चार्ट से शुरू करेंगे। वीकली चार्ट में जैसे कि अभी लास्ट डे है वीक का, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जो क्लस्टर है मूविंग एवरेजेस का, जैसे कि हमने लास्ट एक दो वीडियोस में भी बात की थी, 23.6% का लेवल अगर ब्रेक होता है तो यहाँ पर ये जो क्लस्टर बन रहा है मूविंग एवरेजेस का, ये अराउंड 10,800 टू 10,900 के बीच में, तो यहाँ पर हो सकता है सपोर्ट टेस्ट करे। तो यहाँ से उम्मीद है कि एक बाउंस बैक होके फिर से ये जो सपोर्ट लेवल बन रहा था 11,100 के पास, इसके ऊपर आके एक बार अगर सस्टेन करता है तो यहाँ से ये गिरावट थम सकती है, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन कंफर्मेशन के लिए ये जो स्विंग हाइज बन रहे हैं इसके ऊपर इसे क्लोज होना पड़ेगा, इसके ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा, तो ही यहाँ से अपसाइड मूव हमें देखने को मिल सकती है। अदरवाइज नेक्स्ट सपोर्ट होगा 10,650 के पास, जो कि 38.2% का लेवल है। तो ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल है, ये जो अपसाइड मूव आया था इसका कितना लेवल रिट्रेस करता है ये देखना होगा। तो अभी फिलहाल सपोर्ट के आसपास है, 10,800 को रिस्पेक्ट कर रहा है। देखते हैं निफ्टी इंडेक्स अगर 11,000 के ऊपर फिर से एक बार सस्टेन होता है तो चांसेस होंगे यहाँ से फिर से एक बार रिकवरी तेजी में लौटते हुए दिखाई दे सकती है। डेली चार्ट पर चलते हैं। डेली चार्ट की हम अगर बात करें तो जैसे कि हमने फिबोनाची एक्सटेंशन को यहाँ पर ड्रॉ किया था, कल एग्जैक्ट ये जो 100% का लेवल था यहाँ पर सपोर्ट इसने टेस्ट किया था परसों, और कल इसने यहाँ से इतना जबरदस्त फॉल दिखाया कि 100 EMA का ये जो ग्रे लाइन है ये भी ब्रेक होने के बाद 123.6 लेवल भी ब्रेक हुआ और एग्जैक्ट 138.2 के पास इसने सपोर्ट टेस्ट किया, जो 10,800 के पास आ रहा था। अब ये ऑल ये जो मूविंग एवरेज है शॉर्ट टर्म मिड टर्म लॉन्ग टर्म ये सब ब्रेक हो चुके हैं। तो अभी और एक मेजर मूविंग एवरेजेस है जो दुनिया भर में माना जाता है, वो है 200 डेज का सिंपल मूविंग एवरेज। अगर मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया 200 डेज के सिंपल मूविंग एवरेज में, तो ये देखिए ये एग्जैक्ट अभी अराउंड 10,760 के पास आ रहा है, यानी 10,800-700 के पास ये जो 200 डेज का सिंपल मूविंग एवरेज आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पास्ट में ऊपर जाते वक्त इसने 200 डेज के मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस फेस किया फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम ब्रेक करके फिर ये ऊपर गया और नीचे आते वक्त फिर 200 डेज का मूविंग एवरेज का सपोर्ट टेस्ट किया और फिर ऊपर गया। तो जो रेजिस्टेंस का काम करता है वो फ्यूचर में जाके सपोर्ट का काम करता है। तो हो सकता है अभी ये जो लाइन बन रहा है 200 डेज का सिंपल मूविंग एवरेज ये सपोर्ट का काम करे, ये अगर ब्रेक होता है तो निफ्टी इंडेक्स के लिए मुश्किलें और भी यहाँ से बढ़ जाती है। RSI को देखें तो ओवरसोल्ड जोन के पास है, 3,200 ये ओवरसोल्ड जोन माना जाता है। तो यहाँ पर अभी RSI पहुंच गया है, तो हो सकता है यहाँ से हमें एक रिकवरी देखने को मिले। ये देखिए ये जो 30 का लेवल है, ये जो 30 का लेवल है इसके पास आते ही ऊपर प्राइस एक्शन में अपसाइड मूव देखने को मिलता है। ये देखिए यहाँ पर फिर यहाँ से अपसाइड मूव, ये जो लेवल है फिर यहाँ से अपसाइड मूव। लेकिन ऐसा नहीं है कि 30 के पास आने के बाद यहाँ से प्राइस जंप ही करेगा, ये जो ओवरसोल्ड जोन है ये एक्सट्रीम ओवरसोल्ड जोन बन सकता है, ये और भी नीचे आ सकता है। मोस्ट ऑफ द टाइम देखा गया है कि 30 के पास आने के बाद एक प्राइस में ऊपर की तरफ जंप देखने को मिलता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 100% यहाँ से जंप ही होगा। ये 90-80% देखा गया है कि 30 के लेवल के पास आने के बाद एक बाउंस बैक देखने को मिलता है। तो यहाँ पर RSI भी ओवरसोल्ड जोन में इस समय पहुंच गया है। तो ये था डेली चार्ट का सिनेरियो फिलहाल। अगर ये 10,800 को अगर ब्रेक करता है तो यहाँ पर और एक लेवल हम ऐड कर देते हैं, 150 का लेवल। तो नेक्स्ट सपोर्ट अराउंड 10,729, यानी 700 मान लीजिए, 800 को अगर ब्रेक करता है तो नीचे 10,730 और 10,660 ये दो मेजर सपोर्ट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो ये था डेली वीकली का मंथली
मंथली नहीं देखा हमने, वीकली और डेली चार्ट का सिनेरियो देखा। चलते हैं 60 मिनट की चार्ट में, इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। निफ्टी इंडेक्स अगर कल के लो के नीचे चला जाता है, यानी 10,785 के नीचे चला जाता है, तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 10,752, यह हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 10,730, यह हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और निफ्टी इंडेक्स अगर टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ चला जाता है, तो ये जो लेवल है 10,851, इसको अगर ब्रेक करता है, तो ये इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 10,881, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 10,914, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।